हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दीपक फर्टिलाइजर शेयर के ऊपर और इसके साथ ही बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर शेयर के ऊपर। तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको भी सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दीपक फर्टिलाइजर शेयर के ऊपर। स्टॉक जो है आज के सेशन में 1% के मामूली बढ़त के साथ क्लोज हुआ है। इस पूरे वीक के कारोबार की अगर बात करेंगे तो स्टॉक जो है 11.12% के तेजी के साथ क्लोज हुआ है और लास्ट वन मंथ में अगर देखेंगे स्टॉक 36% के शानदार रिटर्न के साथ ट्रेड कर रहा है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स सेक्टर में अगर बात करेंगे तो एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से जितने भी केमिकल स्टॉक हैं वो बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं और अब जो है एक रैली देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे हम लोग लगातार जो है उन सभी चार्ट्स को शेयर करते रहते हैं जहाँ पे कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है या फिर आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्रीवियस डे हम लोगों ने शेयर किया था होनासा कंज्यूमर और कॉनकॉर्ड बायोटेक, दोनों ही स्टॉक में आज मोमेंटम देखने को नहीं मिला, बट इन दोनों ही स्टॉक को आपको अपने रडार पे रखना है क्योंकि दोनों ही स्टॉक में एक अच्छा तेजी आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो लगातार जो है इसी टाइप के स्टॉक्स हम लोग यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, साथ ही साथ डेली निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स भी आपको यहां पे मिल जाएगा। इसके साथ ही दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर सपोज आप FNO ट्रेड करते हैं, डेडिकेटली आप FNO ही ट्रेड करते हैं, तो आप हमारे प्रीमियम FNO ग्रुप को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना है, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। 3 रेफरल लिंक मिलेगा, एंजल वन, जीरोधा, अपस्टॉक्स, 3 में से किसी एक में अकाउंट ओपन कर लीजिए और अकाउंट ओपन करने के बाद आप वहां पे 2 वीक्स ट्रेड कीजिए। उसके बाद दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल शेयर कर दीजिए, आपको उस ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम के लिए ऐड कर दिया जाएगा। इन केस अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ये कोर्स जो है वो आपको इस संडे से स्टार्ट होगा, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं सारा डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दिया हुआ है। आप पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, आपके साथ सारा डिटेल शेयर कर दिया जाएगा। और अगर और भी कोई क्वेरी हो तो वो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे पिंग करके जान सकते हैं, आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। और इन केस आपके पास समय नहीं है, आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, आपको ओनली कॉल्स चाहिए स्विंग ट्रेडिंग का, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप का सारा डिटेल आपको पिंड मैसेज में मिल जाएगा। इस संडे तक डिस्काउंट है, अगर आप इस संडे तक इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओनली 1000 रुपीज पर मंथ में आपको ये ग्रुप अभी ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा। संडे के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो सारा डिटेल जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं दीपक फर्टिलाइजर शेयर के ऊपर। दीपक फर्टिलाइजर के शेयर के चार्ट के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। अभी अगर जून मंथ का अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो कंपनी ने डिटेल पोस्ट किया है, 2 प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने अपडेट दिया है। गोपालपुर जो है, गोपालपुर में एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है उड़ीसा में, यहाँ पे जो है 376 KT पर एनम, किलो टन पर एनम का एक प्रोजेक्ट है जो कि 2200 करोड़ के कॉस्ट से ये आपको बनने के लिए जा रहा है। अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो जितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंक्रीज होके हो जाएगा 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम का, जो कि ऑलमोस्ट 60% जो है 60% इंडिया का डिमांड जो अमोनियम नाइट्रेट का होगा उसको कवर करेगा। यानी कि एक बहुत बड़ा शेयर जो है वो आपको दीपक फर्टिलाइजर यहां पे कवर करने के लिए जा रहा है। साथ ही साथ अगर बात करेंगे
तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको स्ट्रेटेजिकली काफी इम्पोर्टेंट लोकेशन पे लोकेटेड है, क्योंकि उड़ीसा जो है माइनिंग का हब है और यहीं पे ये प्लांट को जो है आपको इंस्टॉल किया जा रहा है, जिससे कि जो डिमांड है वो आपको ज्यादा टाइम ना लगे, ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा टाइम ना लगे, और जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो है आपको कस्टमर को प्रोवाइड किया जा सके मटेरियल। इसके साथ ही दूसरा जो प्रोजेक्ट है दहेज प्रोजेक्ट, ये आपको स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन है। यहाँ पे 300 WNA जो है 300 किलोटन पर एनम, और जो है CNA कंप्रेस्ड ये आपको 150 किलोटन पर एनम जो है, यहाँ पे 1950 करोड़ के कैपेक्स से जो है इस प्रोजेक्ट को इस प्लांट का और एक्सपेंशन किया जाना है। यहाँ पे आपको एशिया का लार्जेस्ट दीपक फर्टिलाइजर जो है वो आपको एशिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है नाइट्रिक एसिड का, इस एक्सपेंशन के बाद नाइट्रिक एसिड का जो है वो लार्जेस्ट आपको मैन्युफैक्चरर हो जाएगा पूरे एशिया में। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो 65% जो ये आपको CNA का कैपेसिटी बढ़ रहा है, 150 किलोटन पर एनम जो बढ़ रहा है, इसका 65% जो है ऑलरेडी आपको 20 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है टाइड अप हो चुका है। यानी कि यहाँ पे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन से पहले ही कस्टमर ने 20 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ऑलमोस्ट 65% जो यहाँ पे प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पे इस कस्टमर के द्वारा लिया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट अपडेट है। चलिए अब बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। हम लोग सीधा बात करेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, क्योंकि वीकली चार्ट क्लोज हो चुका है। बहुत ही प्यारा चार्ट सेटअप यहाँ पे दिख रहा है। क्लियरली जो है स्टॉक में एक शानदार ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ये ब्रेकआउट जो है 1.5 ईयर का ब्रेकआउट है, क्योंकि स्टॉक लास्ट टाइम 2022 के दिसंबर मंथ में इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया था। उसके बाद से लगातार इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा था। अब स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया है। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का भी ब्रेकआउट वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट 720 के लेवल के ऊपर दे दिया है। ऊपर की साइड में क्या टारगेट के लिए इस स्टॉक जा सकता है, तो ऊपर की साइड में ये स्टॉक जा सकता है 1050 के टारगेट के लिए। यहाँ पे ये होगा क्या, यहाँ पे फर्स्ट फेज हो चुका है, ये फॉल हो चुका है, बेस बन चुका है, बेस का ब्रेकआउट हो चुका है, ये आपको कंप्लीट करने के लिए जाएगा एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को। यानी कि अभी भी यहाँ पे आपको तकरीबन 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1050। अब एक बार स्टॉक 1050 पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा पूरा राउंडिंग बॉटम पैटर्न। अभी एक चीज ध्यान रखिएगा, अभी ये पैटर्न बना नहीं है, अभी हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो ये पैटर्न बन सकता है। और एक बार अगर इस लेवल को टच कर जाता है तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा ये लेवल, और उसके बाद अगर 1050 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ पे एडिशनली हम लोगों को 500 पॉइंट का और मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होता है, टारगेट होता है ये डेप्थ। यहाँ पे जो ये डेप्थ है तकरीबन जो है आपको 580 पॉइंट के राउंड का है, तो ऊपर की साइड में 1500-1600 का टारगेट हम लोगों को नेक्स्ट 6 मंथ टू 1 ईयर में इस स्टॉक में इजीली देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे बात करेंगे स्टॉप लॉस की, तो आपका स्टॉप लॉस जो है नीचे की साइड में 600 के नीचे होना चाहिए। अगर स्टॉक 600 के नीचे निकल जाता है तो फिर हम लोगों का यहाँ पे एनालिसिस जो है कंप्लीटली हम लोग रॉन्ग हो जाएंगे, मार्केट हम लोगों का एनालिसिस को नलीफाई कर देगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अपने दूसरे स्टॉक के ऊपर। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर के शेयर में ब्रेकआउट ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। इस केस में अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑलरेडी ब्रेकआउट प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में हो चुका है, और यहाँ पे स्टॉक 2 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। मैं लगातार आप लोगों से बोलता हूँ, जब भी स्टॉक एक बड़ा मोमेंटम करता है उसके बाद स्टॉक हॉल्ट करता है, और यहाँ पे स्टॉक जो है हॉल्ट करता हुआ दिख रहा है, और ये एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। तकरीबन 2 इयर्स के बाद स्टॉक ने इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक इस लेवल को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। टारगेट
टारगेट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये डेप्थ है ये 250 पॉइंट का है, यानी कि ऊपर की साइड में स्टॉक 750 800 की तरफ मूव कर सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग 750 800 के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रख सकते हैं। नीचे की साइड में अगर बात करेंगे तो आपको अपना एसएल को प्लेस करके रखना है 400 के नीचे। ऊपर की साइड में जो है 250 टू 300 पॉइंट या उससे ज्यादा का भी टारगेट इस स्टॉक में मिल सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।